खंडवा लोकसभा चुनाव में अब नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जाने वाले अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे कांग्रेस के खेमे में हलचल तेज हो गई है। खंडवा लोकसभा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो जाने के बाद आगामी 30 अक्टूबर को यहां पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान की तारीख तय होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। दोनों राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को रिझाने के लिए जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव विगत 2 माह से खंडवा लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर आम जनता से मिल रहे हैं। इसको देखते हुए उन्हें कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन रविवार के दिन अरुण यादव द्वारा कांग्रेस हाईकमान को पत्र जारी कर एक नया मोड़ राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तो वहीं भाजपा के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। लास्ट सवाल, एक कांग्रेस की ओर से माने तो खंडवा लोकसभा के लिए आपका प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन अभी आपका स्टेटमेंट आया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या कारण रहा है? मैंने पहले भी कहा था किसी नए नौजवान को मौका मिलना चाहिए। मैं 5 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 5-4 लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, कई पदों पर मैं रह चुका हूँ। मुझे मैंने खुद ने कहा है कि किसी कर्मठ साथी को जो संघर्षशील हो, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको मौका मिलना चाहिए। क्या कारण क्या रहा है? कोई गुटबाजी है या कोई गुटबाजी नहीं, हम सब कमलनाथ जी रहते हैं। एक जब से आपका स्टेटमेंट आया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं खंडवा लोकसभा, जब तक बीजेपी ने एक राहत की सांस ली है आपको, एक के कारण उनको काफ़ी बीजेपी को लेकर मुझे क्या उससे मिलना देना है? तो हमारा काम कर रहे हैं बीजेपी अपना काम। बागली का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है नर्मदा सिंचाई योजना, तो कई दिनों से इसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और बागली का दुर्भाग्य है कि 40 सालों से यहाँ पर कैलाश जोशी जी और भाजपा के लोगों ने नेतृत्व किया, कभी भी इस क्षेत्र के विकास की बात नहीं। हमारा तो मेन एजेंडा ही है कि बागली की जमीन को सिंचित करना, माँ नर्मदा का पानी इस बागली क्षेत्र के हर गाँव तक पहुँचे, तो हमारी कार्य योजना जिसको लेकर हमने 15 महीने में काम भी किया। हम उस स्टेज पर पहुँच गए जब स्वीकृति स्टेज पर की हमारी कार्य योजना, दुर्भाग्य से सत्ता हमारे हाथ में चली गई। लेकिन बागली का में सिंचाई हमारी प्राथमिकता है, इसको लेकर आगे भी काम। सर जब आप केंद्रीय मंत्री थे जब भी कार्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।